नमस्कार दोस्तों, नियर डेथ एक्सपीरियंस के अगले भाग में आपका स्वागत है। ऐसे भागों में हम ऐसे लोगों की चर्चा करते हैं जिन्होंने मौत को बहुत ही करीब से देखा था और एक ऐसी दुनिया को देखा जो जैसे अनुभव बहुत ही कम लोगों को होते हैं, और यह जो अनुभव है वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि वो दुनिया आखिर किस तरह से हो सकती है। आज की जो कहानी है वो जॉन नाम के एक इंसान की है। उन्होंने कहा है कि उनके शब्द है कि हैजनिक इन्फोमा, कि उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और एक दिन उतना दर्द हो गया कि वो अपने मतलब होश ही खो बैठे और वो नीचे गिर गए। और उसके बाद उनको कुछ अलग ही एहसास हुआ। वो कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ी सी सुरंग के अंदर से वो जा रहे थे। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या होगा। और वो जैसे जैसे सुरंग दोस्तों आगे आगे जा रही थी, तब तब वैसे वैसे जो सुरंग का वातावरण है, सुरंग मतलब आपके हमारे सामने दोस्तों अंधेरा ही आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे वैसे वहाँ का जो वातावरण है वो धीरे धीरे इस तरह से बदल गया जैसे कि मतलब रात के बाद सुबह होती है, वैसे वो वातावरण बदल गया। और एक वातावरण ऐसे आया या फिर एक क्षण उनके सामने ऐसे आया कि एक कोई चीज़ है और उसके आखिर में हमें सारी चीज़ें दिख जाती है। वैसे ही जॉन ने कहा है कि वहाँ पर एक ऐसा बिंदु था कि जिसके परे एक बहुत ही सुंदर स्वर्ग की शुरुआत हो सकती है। मतलब क्या कि वहाँ से उनको दिख रहा है कि परे कुछ उनके है जो बहुत ही सुंदर है, उनके परे कुछ ऐसा है जहाँ पर बहुत ही मतलब सुख है, जहाँ पर दुख नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और जॉन हमसे बाद में ये कहते हैं कि उस सुरंग के परे उनको एक मतलब आत्मा दिखी या फिर कुछ ऐसा कोई उनका परे मतलब करीबी दिखा। और जब उन्होंने उनको बहुत ही क्लियर से देखा तब उनको ये पता चला कि वो उनकी दादी थी, और उनकी जो दादी थी बहुत ही कम उम्र में जॉन के इस दुनिया से चली गई थी, और इस वजह से जॉन को उनका प्यार इतना नहीं मिला था। लेकिन उनकी जो दादी थी उनकी आँखों में बहुत ही ज़्यादा प्यार दिख रहा था, और जॉन यही कह रहे थे कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उनके पास कब जाऊँ। लेकिन उनकी दादी के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे कि जॉन उनके तरफ फिलहाल नहीं आ सकता, इस वजह से जॉन भी थोड़ा सा चिंतित था। लेकिन जब जॉन को ये सारी चिंता आ गई तब उसके बाद दोस्तों वो वातावरण फिर से इस तरह से बदल गया। जॉन ने ये कहा है कि जैसे एक छोटे बच्चों को माँ अपनी गोद में लेती है या फिर उसका अपने माँ के मतलब दिल में जो भी प्यार का महासागर है वो सारा प्यार अपने बेटे पर जिस तरह से वो लुटाती है, ऐसे वक्त में उस बच्चे के मतलब सामने कितनी भी बड़ी परेशानियाँ आए लेकिन फिर भी वो बच्चा नहीं डरेगा क्योंकि वो अपने माँ के गोद में होगा, उसको पता है कि अब वो सेफ है, अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ इस तरह के भाव दोस्तों उस वक्त जॉन ने कहे हैं कि उसके थे। उसको यही लग रहा था कि किसी एक परम शक्ति ने या फिर उसके अपनों ने कहीं ना कहीं उसके मतलब आजू बाजू इतना प्यार का वातावरण तैयार किया है कि उसको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो कह रहा था कि उस वक्त उस दुनिया का सबसे अगर कोई सुखी इंसान या फिर समाधानी इंसान होगा, एक ऐसा इंसान जिसके पास हाँ चाहे फिलहाल दिखाने के लिए दुनिया को कुछ नहीं है लेकिन जिसे एक मतलब कौड़ी की भी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन सारी चीज़ों से वह परे जा चुका है। तो इस तरह से जॉन के भाव थे, और वो हमसे ये कहता है कि वहाँ पर इतना उसको सुख जैसे वातावरण लग रहा था कि वो आपको कह नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें होते समय वो उस हेवन की जो उसने कहा है कि स्वर्ग की जो शुरुआत है उसके करीब आ रहा था, लेकिन जब वो उसके बहुत ही करीब आ गया तब उसके मन में दोस्तों ऐसे भाव प्रकट हो गए कि फिलहाल उसका ये वक्त नहीं है, जब उसका वक्त आएगा तब वो उस परे जा सकता है और अपनी दादी से भी मिल सकता है और उनसे बहुत ढेरों सारी बातें कर सकता है, ढेरों सारे उसके मन में अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है और उन सवालों के इसके पूछने के पहले उसको जवाब भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से उसने इन सारी चीज़ों को देखा और हमसे ये कहा है कि जो हमारे अपने हैं वो हमें हमेशा हमारे साथ है। एक कहानी दूसरा भी हमें मतलब हमारे सामने पहलू लाती है कि हमारे जो अपने हैं वो हमें हमेशा हमारे साथ है। हाँ चाहे वो हमारे बचपन में इस दुनिया से चले गए हो या फिर इस दुनिया से मतलब पहले भी उन्होंने मतलब रुखसत ली हो, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़रूर मिलेंगे और एक दिन ज़रूर उनसे हमारी मुलाकात होगी दोस्तों। तो ये कहानी हमें बार बार यही सिखाती है जो हमेशा आपको कहता हूँ कि आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपसे दूर नहीं जा सकते, एक दिन उनके साथ आपकी ज़रूरत मुलाकात होगी। बस हमें इस जीवन में ऐसे अच्छे कर्म करने होंगे जिससे सिर्फ हमारे आत्मा का ही उद्धार नहीं होगा बल्कि हमारे जो करीबी है वो भी बहुत ही मतलब हम पर गर्व करे या फिर उनको ये लगे कि हाँ ये हमारा जो करीबी है वो बहुत ही सुख से और बहुत ही अच्छे से अपने कर्म यहाँ पर कर रहे हैं, जो असली दुनिया है उस तरह से ये कर्म कर रहे हैं। और इस तरह से दोस्तों हमें आगे बढ़ना होगा और हमारे अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखने के लिए हमें अच्छे कर्म करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।